हेलो एंड वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं। क्यों स्पेशल होने वाले हैं ये आप लोग देखते रहिए मेरे इस वीडियो को, और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो फिर प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही खड़े इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बाबूजी ने एक बात बोल के गए थे कि खुद पे बदलाव वो लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो यानी कि हम अगर चाहते हैं कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरा रहे, तो उसके लिए हमें खुद का मन और खुद जो हमारे घर है, हमारे घर के आंगन है, उसको भी साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। अगर हम लोग खुद के घर को ही साफ़ सुथरा रखेंगे तभी हम लोग बाहर यानी कि सड़कों पर हो या बाहर दुनिया में हो, हम लोग साफ़ रख पाएंगे। तो उसी उम्मीद में आज हम लोग घर में ही स्वच्छता अभियान शुरू करने वाले हैं। तो फिर चलिए हम, और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज बापूजी का जन्मदिन है, तो बापूजी का पूरा नाम तो आप सभी को पता ही है। उनका पूरा नाम मैं और एक बार बोल देती हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी जी है। तो आज स्वच्छ भारत हम लोग घर पे ही कर रहे हैं, आप लोग देखते जाइए किस तरह हम लोग स्वच्छ भारत करते हैं। तो फिर चलिए। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, स्वच्छता के दूत बन के हम चले घर घर मोहल्ला। हो हल्ला हल्ला हो हल्ला हल्ला हो हल्ला हल्ला। इंदौर को स्वच्छ बनाना है अब हमने ये ठाना है, स्वच्छ इंदौर स्वच्छ इंदौर। हो हल्ला हल्ला हो हल्ला हल्ला हो हल्ला हल्ला। हमने जो माना है अब उसे निभाना है, इंदौर को अब भारत में नंबर वन बनाना है, देश को ये दिखाना है, हमने तो ये ठाना है, स्वच्छ इंदौर स्वच्छ इंदौर। हो हल्ला हल्ला हो हल्ला हल्ला हो हल्ला हल्ला। हो हल्ला हल्ला हो हल्ला हल्ला हो हल्ला हल्ला। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, स्वच्छता के दूत बन के हम चले घर घर मोहल्ला। हो हल्ला। बापूजी का बर्थडे है तो उसके लिए बापूजी का सबसे मतलब बहुत महत्वपूर्ण और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है उनके भजन का हम लोग दो लाइन गाने वाले हैं। तो इस तरह, रघुपति राघव बड़ाचारा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव बड़ाचारा पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी जी यानी कि बापू जी आप अमर रहे, अमर रहे। साफ सुथरा करना हो चुके हैं और अभी तो पसीने से पूरा एकदम भीग चुके हैं, अभी नहाऊंगी। नहाने के बाद क्या करती हो आप लोग देखते रहिए, बताऊंगी नहीं, आप लोग देखिए खुद देखिए। ठीक है, मैं नहा के आती हूँ। नहा धो के पूरा मैं रेडी हो चुकी हूँ और फेस में ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि घर पर ही रहूँगी, कहीं जाना भी नहीं है और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना बाहर, मतलब कुछ लगाने को दिल नहीं करता है। तो अभी
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करूँगी, आप लोग देखते रहिए, मैं नहीं बोलूँगी, आप लोगों को खुद देखना होगा, तो आप लोग देखते रहिए मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट फोर बिना स्किप का प्लीज। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही था और ऐसे ही कई मज़ेदार वीडियो और ब्लॉग्स आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसा ब्लॉग या वीडियोस देखने की मतलब इच्छा रखते हैं, मुझे बोलिएगा, मैं आप लोगों के पसंद का ब्लॉग या वीडियो बनाने की 100% कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही और मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि अभी तो सीज़न है वो थोड़ा सा ठंडा गर्म मिक्स होने का सीज़न ही है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए जॉय आए होम।